ये मस्जिद है, मस्जिद में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, पथराव हुआ है, जो शीशे हैं दरवाजे उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और उसके बाद भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और अभी पूछताछ की जा रही है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने गोकशी की। और नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राजस्थान के मस्जिद में की गई भारी तोड़फोड़, गौकशी के आरोप में बीजेपी युवा मोर्चा और गौ रक्षकों ने सड़कों पर मचाया भारी बवाल, हालात हुए खराब, भारी पुलिस बल तैनात। जी हां, राजस्थान के टोंक में हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी युवा मोर्चा और गौ रक्षक दल मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगा रहा है कि गौकशी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाया है कि सारे आरोप झूठे हैं, इन लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की है। इसके बाद से हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद से जो स्थिति है और भी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। कैसी खबर सामने आई है, क्या है मामला राजस्थान के टोंक का, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा TV9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा हुआ है कि टोंक में बवाल, गौ हत्या मामले को लेकर तनाव, मस्जिद में तोड़फोड़ का आरोप। तो मस्जिद में तोड़फोड़ का पहले आरोप था, अब एक वीडियो सामने आया है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें गौ रक्षकों पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने साजिश की है। किस तरह का आरोप है उसको बताने से पहले आपको खबर बता देते हैं, थोड़ा सा मामला बता देते हैं। खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के टोंक जिले में गौकशी की घटना को लेकर एक बार फिर तनाव का माहौल है। जिले में ललवाड़ी पंचायत की घासी की ढाड़ी गांव में 3 दिन पहले गांव के गाय के अवशेष मिलने के बाद ढाड़ी में लगातार बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। वहीं कथित रूप से की गई गौकशी के बाद अब मस्जिद में तोड़फोड़ के आरोप लगने के बाद एक बार फिर जिले की आबो हवा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आगे खबर में लिखा है कि ताजा मिली जानकारी के मुताबिक घासी की ढाड़ी इलाके में स्थित मस्जिद के इमाम आबाद अली ने पुलिस में तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक बताया गया है कि बीते रविवार को शाम 6:30 बजे के करीब 100 से 150 लोगों ने मस्जिद की संपत्ति पर तोड़फोड़ की है। तो एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से दावों के साथ वायरल हो रहा है। घटना 3 दिन पुरानी है कि गौकशी का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जब मस्जिद में तोड़फोड़ की गई तब से बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। वीडियो को भी हम आपको दिखाते हैं, वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। इस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है, मस्जिद के गुंबद को तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है, कुर्सी को भी तोड़ा गया है, माइक को तोड़ा गया है, उसी के साथ स्पीकर को भी तोड़ा गया है, कूलर को तोड़ा गया है, हर तरह से तोड़फोड़ मचाई गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके साथ ही इसका आरोप गौ रक्षकों पर लग रहा है कि इन्होंने गौकशी के आरोप में मस्जिद को तोड़ दिया है। बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए इब्राहिम शेख लिखते हैं कि राजस्थान के टोंक जिले में गौ हत्या की आशंका पर 60 से 70 गौ रक्षकों ने स्थानीय 2 मस्जिदों पर धावा बोल दिया, कुरान की बेहुर्मती की और उसके साथ ही मस्जिद में भारी तोड़फोड़ मचाई, इमाम साहब पर जानलेवा हमला और मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जबकि प्रशासन सिर्फ गौ हत्या मामले की जांच कर रहा है। तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से आरोप लगाया गया है कि प्रशासन सिर्फ गौ हत्या मामले की जांच कर रहा है, जबकि मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई है। मस्जिद में तोड़फोड़ बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने की है, ये कहना है मुस्लिम समुदाय के लोगों का। इस तरह के कई दावे किए जा रहे हैं। एक और दावा आपको बता देती हूँ, साहिल राजवी लिखते हैं कि संघियों का षड्यंत्र, राजस्थान के कोटा में गौ रक्षकों ने पहले मस्जिद के सामने गौ मांस लाकर फेंका, उसके बाद खुद ही मस्जिद को तोड़फोड़ करने लगे और ये कहते हुए कि गौ हत्या हुई है। तो इस तरह के कई दावे हैं, कहीं पर इस वीडियो को कोटा का बताया जा रहा है, कहीं पर इस वीडियो को टोंक का बताया जा रहा है। हम आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये वहीं का है और ये जो तोड़फोड़ की गई है ये गौ रक्षकों की तरफ से की गई है, क्योंकि दावे तो कई किए जा रहे हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, जब अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये जो दावे हैं इनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आप देख
सकते हैं कि स्पीकर को तोड़ा गया है, माइक को तोड़ा गया है, कुर्सी को तोड़ा गया है, भारी तोड़फोड़ की गई है, इसको लेकर तो शिकायत दर्ज की गई है। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर में आगे लिखा हुआ है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है कि इलाके में सहज बंजारा मुसलमान की ओर से पुलिस में दी गई एक शिकायत में बताया गया है कि 19 अगस्त की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच 60 लोगों की एक भीड़ ने मस्जिद में तोड़फोड़ को अंजाम दिया, जिसमें भीड़ ने कूलर, माइक सेट, पंखे और खिड़की में तोड़फोड़ की और नमाज के स्थान को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये सब आरोप लगाए गए और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करके ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान के टोंक का ही है, जहां पर तोड़फोड़ की गई है, इमाम के साथ हाथापाई की गई है, इसके साथ ही कुरान की भी बेअदबी की गई है। आगे खबर में लिखा है कि बता दें कि इलाके में गौकशी की घटना के आरोप लगाते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वीडियो 3 दिन पुराना है, 19 तारीख को दावा किया गया कि मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम संप्रदाय गुस्से में है ये कहकर कि मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा और गौ रक्षकों का आरोप है कि इन लोगों ने गौकशी की है। मुस्लिम संप्रदाय का कहना है कि हमारी तरफ से किसी तरह का किसी गाय की हत्या नहीं की गई है, इन्हीं लोगों ने गाय के लोथड़े लाकर फेंके, उसके बाद मस्जिद को तोड़ा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, लेकिन हाँ, इस सबके बीच जो हालात है वो काफी ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। राजस्थान में जांच की जा रही है क्या ये गौकशी का मामला है या नहीं है, इसको लेकर भी आगे इसमें खबर में लिखा हुआ है। खबर में लिखा हुआ है कि मामले के मुताबिक टोंक के निवासी क्षेत्र में स्थित दत्तवास थाना इलाके के ललवाड़ी गांव में गौकशी का मामला 3 दिन पहले सामने आया था, जिसके बाद से यह माहौल लगातार तनावपूर्ण है। गौकशी की शिकायत दर्ज कराने वाले हनुमान चौधरी के मुताबिक बताया गया है कि शुक्रवार को इलाके में गौ हत्या कर ग्रामीणों में गौ मांस बांटा गया था, जिसमें 17 लोग शामिल थे। शिकायत में बताया गया है कि कुछ लोग प्लास्टिक के कट्टों में गौवंश के अवशेष लेकर जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने फॉरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया है और अलग अलग टीमें बनाकर जाँच की जा रही है, जांच हो रही है गौकशी की हुई है कि नहीं हुई है इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मस्जिद तोड़ने का दावा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर भी चलाई गई है कि राजस्थान के टोंक में मस्जिद में तोड़फोड़ हुई भी है और इसी के साथ ही कई तरह के दावों के बीच राजस्थान के टोंक के हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। यही आपको बता दें कि 17 लोगों के खिलाफ नामजद FIR भी दर्ज की गई है गौकशी के आरोप में। पुलिस लगातार जांच कर रही है। अब क्या है दावा, क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो निकलकर सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मस्जिद तोड़ने के चलते और उसके साथ ही गौकशी के आरोप में राजस्थान के हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।